वेलकम बैक टू द माइंड रूलर। आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। और भाई कैसे हो, हाल ठीक है? और आपका लेट लतीफ भाई आ चुका है। हाँ भाई क्या करें यार, मगरिब हो चुकी है। मगरिब के बाद पता नहीं कौन सा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। कहाँ का डेली व्लॉगर हूँ मैं, कहाँ कहाँ, लेकिन हूँ तो पाकिस्तान का ही। अबे भाई कोई पता नहीं है। सही ये सीन है कि यार मगरिब होती है और मेरे व्लॉग स्टार्ट होते हैं, मैं उड़ भी जाता हूँ जल्दी, लेकिन फिर भी काम इतना होता है, क्या करूँ यार। और दूसरी बात फिर तो ये तुम लोग वो नहीं करते ना यार, जब मोटिवेट करते हो ना अच्छे से, लाइक सब्सक्राइब करते हो, आए हाय हाय फिर व्लॉग आते अच्छे वाले, लेकिन जब करते ही ना तो मज़ा नहीं आता बनाने का। करा करो, अच्छे व्लॉग चाहिए तो करा करो, ये सीने में बोल लो, करो पहले करो। कहाँ करोगे, कहाँ करोगे, कहाँ दिल रखोगे हमारा, पता है मुझे यही सीन है भाई, क्या कर सकते हैं। तो अच्छा भाई यही सीन है, मगरिब हो चुके एंड आज है हफ्ता एंड, मैं तुम लोग को हो सकता है आज या फिर कल एक गुड न्यूज़ दूँ कि पापा के हवाले से, खैर मेरे हवाले से कुछ भी नहीं है ऐसा सही। तो यही सीन है, देखते हैं क्या होता है अभी आज की पूरी रात में, क्योंकि दिन तो गुजर गया है ना। तो चलो हफ्ते का दिन है भाई, छुट्टी का दिन है, आए भाई इंजॉय। नहीं है कि अभी मैं नाना के आया हूँ सही, एंड कपड़े शपड़े थोड़े से बदल लिए थे हमने और फिर आ गए हूँ, और बाइक को पर आया भाई फुल मज़ा आ जाता है जब बाइक पे निकलो ना खुद चला कर, आह मज़े ही लेवल है। तो चलो यही सीन, ये इस बाइक पे मैं आया हुआ हूँ एंड पापा की ये रही सामने वाली 125। अभी मैं 125 पे आया था क्योंकि 125 पंचर हो गई थी, तो पापा इस पर आ गए थे, फिर मैं पंचर लगवाते हुए आ गया था। तो ये सीन हुआ एंड तो चलते हैं बस। सीन ये कि आ गए थे मछली लेने एंड बाइक मैंने घर पर छोड़ दी थी, सिर्फ मैं और पापा और हमदान आए, मम्मा को घर पे छोड़ दिया और बाइक सही एक ही बाइक पर सही है, देख सकते हो मछली स्टेशन ये देखो भाई फुल। अरे मैं दूसरी जगह पर आए क्योंकि मम्मा फिंगर फिश ही खाती हैं एंड तो फिंगर फिश ही लेनी पड़ेगी, दूसरी वहाँ फिंगर फिश नहीं थी और हम लोग तो वहीं से खाएंगे क्योंकि वहाँ मछली ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन यहाँ अभी मम्मा को ही लिए फिंगर फिश लेना है। ये फिंगर फिश है और पता नहीं ये देखो ये हमदान फिंगर फिश है कि कोई पता नहीं क्या पापलेट है शायद, ये पता नहीं कोई बड़ी सी मछली है वो पीसी सही। तो भाई फुल सीन हो गया है खाने का और इसके अंदर मछली और फिंगर फिश भी, अरे चिप्स भी है भाई वाह वाह। सीन कुछ इस तरह का हो गया कि अभी मैं बैठा हुआ एंड भाई कराची में फुल शदीद की ठंड हुई हुई है और सीन यही है कि भाई फुल ठंड लग रही है, इसको मैं क्या बोलूँ। और अभी ब्लैंकेट मैंने लिए हुए थे एंड चलो ये सीन एंड, यहाँ मैं मैच देख रहा हूँ अभी बैठ कर, देख सकते हो यहाँ मैच देख रहा हूँ क्योंकि अभी चल रहा है वो चैम्पियंस कप जो होता है पाकिस्तान में, चैम्पियन ट्रॉफी नहीं चैम्पियन कप पाकिस्तान में, एक सजेस्टेड टीम की तरह होती है कि आपको सिलेक्ट करते हैं उसके अंदर से, जो उसके अंदर अच्छा परफॉर्मेंस देता है तो उसमें से टीम सिलेक्ट होती है सही। अभी ODI हुआ था एंड अभी ये हो गया दोबारा एंड, लेकिन भाई वो सब छोड़ो, खड़ा बगैर पंखे के देखो पंखा नहीं चल रहा है एंड मैं बैठा हुआ और मुझे कपकपी लग रही है और दीवार हर चीज़ इतनी ठंडी हो रही है भाई। कहाँ कराची में जैसे कि अभी कराची की जैसे हर साल यही हुआ है कि अक्टूबर की 10 तारीख से एक होता था कि 10 तारीख हमने वो था कि जैसे मेहमान है कि 10 तारीख के बाद हमारा AC वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं चलता था सही, बिल्कुल ही ना ठंड आ जाती थी कि आपको बगैर उसके आप पंखे के भी हल्का हल्का हो जाता था कि आप बगैर पंखे के भी रह सकते हो रात को है ये नहीं सही, ऐसा हो जाता था एंड आप चादर ओढ़ लो फुल पंखे में भी ऐसा हो जाता था। लेकिन भाई इस बार तो ये अक्टूबर गुजर गया, सितंबर गुजर गया एंड नवंबर गुजर गया, कितने अक्टूबर सितंबर नवंबर ये 3 महीने गुजरने के बाद क्या कहते हैं सितंबर के आई है शुरू में सर्दी सही की, जो सही नॉर्मल सर्दी नहीं कह रहा मैं, जो अच्छी सर्दी नहीं होती इसके अंदर फुल आप पैन पहन कर निकल रहे हो जैकेट वगैरह, वैसी वाली सर्दी आई है सितंबर में और दिसंबर में कि स्टार्ट में एंड 3 महीने या 2 महीने कह लो आप लेट आई है सर्दी कराची में, अच्छी खासी लेट हो गई है भाई सर्दी आने में फुल माइंड गेस ये है भाई कि बहुत ही लेट सर्दी आई है, लेकिन अब आ गई है तो अब इसको इन्जॉय करते हैं। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि कराची में सर्दी लेट आई है तो जाएगी भी लेट, कह रहे हैं कि रमज़ान जैसे मार्च में है तो ये रमज़ान के बाद ही जाएगी सर्दी, और अगर ऐसा हो जाए तो बड़ा ही बेस्ट है क्योंकि अभी रोज़े बड़े अच्छे गुजरेंगे, सर्दी में प्यास भी कम लगती है एंड वैसे भी मौसम अच्छा होता है तो गर्मी नहीं लगती, थकावट नहीं होती एंड रोज़े भाई फुल ऐसे जाने लग रहे सही। लेकिन पिछली दफ़ा के रोज़े याद है ना कितनी गर्मियों में गए थे,
पिछले ब्लॉग जाकर देखो हालत कैसी होती थी, है फुल रोज़े लगे रहते थे, देखे गए थे रोज़ों से 10-15 मिनट में, क्योंकि गर्मी बहुत होती थी। लेकिन अल्लाह करे अगर ऐसा हो जाए कि अब शुरू हो जाएंगे मार्च की 1st तारीख, कह रहे हैं कि फरवरी की 27 या 28 को फर्स्ट रोज़ा होगा, मतलब 27 या 28 को पहला रोज़ा होगा, मतलब आखिरी तारीख जो होगी उसकी फरवरी के उसमें ही होगा, मतलब कि पूरे मार्च रमज़ान होंगे एंड ईद होगी। सही, फिर ये है तो चलो यही सीन है एंड इसकी भी फुल मज़े करेंगे इन रमज़ानों में भी, इनके भी फुल व्लॉग आएंगे। इससे पहले आते थे तुम लोग याद करो रमज़ान के इतने अच्छे गए थे, जो बाहर हम लोग खेलते थे रात को 10-10, 11-11 बजे तक, और बस फुल बहुत मज़े करे थे हमने इस रमज़ानों में। याद करो कितना फायर वर्क्स रखते थे और बहुत फायर वर्क कह रहा सॉरी वो करते थे कि बाहर आग जला कर बैठते थे, कि बहुत सारे करते थे इन्जॉय एंड जो मज़ा आता था। चलो अब देखते क्या सीन होता है एंड मैं थोड़ा सा मैच देखता हूँ एंड फिर अभी सो जाऊँगा, टाइम बहुत हो गया है। सही, तो यही सीन है, तो लाउंज चढ़ पाए बैसी और बस मैं अपने कमरे में, वो कमरा कह रहा हूँ, मैं यहाँ लाउंज में सो जाऊँ क्योंकि मेरे कमरे का पंखा ख़राब हो गया, ये सीन हो गया, मैं यहाँ लाउंज में सोऊँगा एंड मम्मा पापा और हमदान वैसे कमरे में, हमदान यहाँ नहीं सो रहे अभी, हमदान मम्मा पापा के पास चला गया। सही, तो ये सीन है, तो चलो अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय, सी शू।